हाय गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा या डिग्री आफ्टर 12। काफ़ी बच्चों को इनमें डाउट रहता है कि हमें होटल मैनेजमेंट में डिग्री करनी चाहिए या फिर डिप्लोमा करना चाहिए, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि दोनों में हमें क्या एडवांटेज मिलते हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं इनको करने से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो व्हाट्सअप गाइज, मैं सेल्फ मोहित राठी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल मोहित राठी ब्लॉग्स। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ डिप्लोमा के एडवांटेजेस के बारे में कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो इसका हमारा पहला टॉपिक है शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स। ये हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स होता है, ये 1.5 ईयर का कोर्स है। इसमें हमें एक साल की अपना कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, उसके बाद 6 मंथ के लिए आप आईटी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, आईटी ट्रेनिंग मतलब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए। देन उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपकी जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है आपको उसके बाद। देन अब इसका हमारा सेकंड एडवांटेज है, जिस भी आप डिपार्टमेंट में पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे लाइक आप फ्रंट ऑफिस में पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप हाउसकीपिंग में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो सिर्फ आप एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाई करेंगे, यानी कि आपको फोर्सफुली सारे चारों सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सेकंड एडवांटेज है। अब बात करते हैं इसके थर्ड एडवांटेज के बारे में। डिप्लोमा के साथ साथ आप ग्रेजुएशन कोर्स भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एक बात याद रखना कि हमारा जो डिप्लोमा है ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ आपको एक ग्रेजुएशन कोर्स भी करना होगा, जैसे बीए है, बीबीए है, बीसीए, लाइक आप कुछ भी कर सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के साथ साथ। देन इसका फोर्थ एडवांटेज है लेस फीस। अगर आप कंपेयर करते हैं डिग्री से, तो डिग्री की फ़ीस जहाँ पे होती है 4 से 5 लाख रुपये, वहीं आपके डिप्लोमा की फ़ीस होती है 1 लाख रुपये। तो आप जिसका मतलब कि इतना बजट नहीं है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा नहीं है, तो वो डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ये आपका कम पैसों में हो जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं डिप्लोमा के डिसएडवांटेज के बारे में। इसका फर्स्ट टॉपिक है आपकी जो जॉब आप करेंगे वो एंट्री लेवल से आपकी जॉब स्टार्ट होगी, आप इसमें एमटी और ओटी नहीं कर सकते, लाइक मतलब कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग। इससे क्या होता है, आपका एमटी करेंगे अगर आप, तो जैसे अब लाइक आपने डिग्री किया, डिग्री करने के बाद में आप एमटी और ओटी कर सकते हैं, जिससे आप हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर जैसे लाइक आप एमटी करेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो आप मैनेजर बन सकते हैं 1 साल या 2 साल के अंदर। अगर आप ऑपरेशनल ट्रेनिंग करते हैं, तो आप सुपरवाइजर बन सकते हैं 1 या 2 साल के अंदर। अगर आप डिप्लोमा से हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए आपकी जो एंट्री होगी वह एंट्री लेवल से ही आपको स्टार्ट करना होगा। देन आपका इसका सेकेंड डिसएडवांटेज है, आपको आप इसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जैसे लाइक इससे अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स है, आपके इसके साथ में ग्रेजुएशन करनी होगी, देन उसके बाद अप्लाई कर पाएंगे आप। देन इसका थर्ड डिसएडवांटेज ये है, ओनली 1 डिपार्टमेंट, सिर्फ आप एक ही डिपार्टमेंट में पढ़ाई करेंगे। लाइक जैसे डिग्री वाले स्टूडेंट चारों डिपार्टमेंट में पढ़ाई करेंगे, तो उनको पूरे होटल के बारे में पता है। अगर जैसे आप लाइक बात करते हैं अब हम आपके डिपार्टमेंट के बारे में, जैसे आपका इंटरेस्ट है खाली किचन में, तो आपको फ्रंट ऑफिस के बारे में भी पता नहीं होगा, हाउसकीपिंग के बारे में नहीं पता होगा। तो ये थे हमारे डिप्लोमा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब हम बात करते हैं डिग्री के एडवांटेज के बारे में। इसका फर्स्ट है ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये 3 साल आपको कॉलेज में देना होगा, और इसके बाद में आप इसके कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड एडवांटेज के बारे में, आप इसमें एमटी और ओटी कर सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड ऑपरेशनल ट्रेनिंग। इससे क्या है कि आपने जैसे 3 साल का कोर्स किया, उसके बाद आप जाएंगे जॉब करने के लिए, तो आप वहाँ पे काफ़ी होटल्स ऐसे हैं जो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं 3 मंथ्स की 4 मंथ की, अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो देन आप 1 या 2 साल के अंदर मैनेजर या सुपरवाइज़र बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं डिग्री के डिसएडवांटेज के बारे में। अब इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आपसे एमटी और ओटी क्लियर नहीं हुई, तो आपका और डिग्री का दोनों का डिपार्टमेंट और लेवल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना, सॉरी डिपार्टमेंट नहीं, लेवल बिल्कुल सेम होता है। अब वो भी एंट्री लेवल से आएगा, आपको भी एंट्री लेवल से स्टार्ट करना होगा, इसलिए आपके लिए डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए एमटी और ओटी क्लियर करना ज़रूरी होता है। हम बात करते हैं इसके सेकंड डिसएडवांटेज के बारे में। जैसे आप सोच के आए थे मेरे को खाली शेफ बनना है, अब आपको उसके साथ साथ में 3 और पढ़ाई करनी पड़ेंगी, जैसे हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है, सर्विस है, तो वो भी आपको फोर्सफुली करनी होंगी, जिसमें आपका इंटरेस्ट था ही नहीं, तो ये एक हमारा डिग्री का डिसएडवांटेज हो जाता है। अब लाइक एक आप इस तरह से भी देख सकते हैं, अगर आप किसी भी होटल में इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, अब एक स्टूडेंट है आपका डिग्री का, एक है डिप्लोमा का, तो अगर आपका इंटरव्यू होता है, अगर डिग्री वाला स्टूडेंट इतना बेस्ट नहीं दे पाता अपना और डिप्लोमा वाला ज़्यादा बेस्ट देता है, तो ऑब्वियसली बात है कि डिप्लोमा वाले को होटल इंडस्ट्री लगेगी, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में वर्किंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ऐसी निराश होने वाली कोई बात नहीं है, आप डिप्लोमा भी कर सकते हैं, ठीक है, आप इसके साथ साथ कोई भी और अदर ग्रेजुएशन कोर्स वगैरह कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके पूरा समझ में आया हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन होटल मैनेजमेंट।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, आपसे मिलते रहेंगे ऐसी नई वीडियो में नए नए टॉपिक के साथ। कागज के दो पंख लेके उड़ा चला जाए रे।